समाचार उसका चौथा चैप्टर और उसकी 17 आयत। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ। सब कहें मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। जब हम मन फिराव के बारे में सुनते हैं, इंग्लिश में जो इसको शब्द यूज किया गया है, इसके लिए यूज किया गया है रिपेंट। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ। और आज मैं आपके साथ इसी विषय के बारे में बात करूंगी। बहुत लोग प्रभु को कई सालों से कलीसिया आते हैं, कई सालों से हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन अगर मन नहीं बदला है। अब मन फिराने का मतलब क्या है, रिपेंटेंस का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है, ध्यान से सुने, इसका सिंपल मतलब है जिस तरीके से पहले सोचते थे, क्या करते थे, सोचते थे, फिर अपने सर पे हाथ रख के कहीं जिस तरीके से मैं सोचता था वो बदलने जा रहा है। क्योंकि अगर ये दिमाग में जो सोचे उठती हैं वो नहीं ना बदली, हम जितनी प्रार्थनाएं करवा लें, हम कोई कहीं भी चले जाएं, मीटिंग्स अटेंड कर लें, लेकिन अगर ये दिमाग नहीं बदला, सोच नहीं बदली, आप फुलनेस प्रभु की, बहुतायत से प्रभु की चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को सीमित कर लोगे और जो प्रभु आपकी जिंदगियों से करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। फिर सब कहें प्रभु मेरी सोच बदलो, फिर कहें प्रभु मेरी सोच बदलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये अपनी ताकत से आप नहीं कर सकते हो। हमारे देखने का नजरिया बदलना, इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब हम प्रभु को पुकारते हैं वो अपने वचनों के माध्यम से हमारी जिंदगियों को बदलते हैं। हमारी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आज आप जिन कुर्सियों पे बैठे हो, ये कुर्सियां ऐसे नहीं आ गई, हमने दुकानदार से खरीदी है, लेकिन इन कुर्सियों को बनाने से पहले किसी को सोच उठी। क्या उठी? सोच उठी, तब ये बनी। अगर आज मोबाइल्स आपके हाथों में है, किसी की सोच थी कि ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे लोग आपस में बात करेंगे, तो ये हो गया। कुछ दिन पहले मैं एक फेसबुक पर एक वो देख रही थी, किसी ने पोस्ट डाली, और पुराने फोन याद है आपको, जो तार के साथ बंधे होते थे और उनमें रिसीवर होते थे, और जब कॉल करनी होती थी नंबर डायल करने पड़ते थे, 1 2 3 4। नई जनरेशन को नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जो साल से बाद पैदा हुए उनको नहीं पता। तो 1 2 3 4, किसी ने कहा जब ये फोन बंधे हुए थे तार के साथ इंसान आजाद था, लेकिन आज जब ये फोन तार के बगैर है, आज इंसान क्या हो गया है, बंद गया है, गुलाम हो गया इसका। टेक्नोलॉजी अच्छी है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सो हम देखते हैं जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं ये सोच थी। आज जो हम कैमरा यूज कर रहे हैं सोच थी। बिजली, अगर आज आप पंखों के नीचे बैठे हैं किसी ने सोचा था तब बनाए। अगर आज अपने कपड़े पहन रहे हैं किसी ने सोचा था इस तरीके के डिजाइन करेंगे तब बनाए। तो पहले सोचा फिर उसके बाद चीज आई। पहले क्या किया? सोचा। पहले क्या हुआ? सोचा। फिर किसी ने कहा, आपने भी सुना होगा, आइडिया बिकता है। क्या बिकता है? आइडिया। मोबाइल आने से पहले फोन थे, उनके बाद हर चीज में बदलाव आ गया, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी। इन्होंने कहा 4G लेकर आएंगे, आप कहते हैं 5G लेकर आएंगे। फिर किसी ने कभी सोचा था चांद पर अपने लोगों को पहुंचाएंगे, फिर इन्होंने सोचा हम मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे। तो पहले पहुंचे नहीं, पहले सोचा। सब क्या? सब कहें सोचा। अपने पड़ोसी की तरफ जरा हिलाकर कहें पहले सोचा, फिर कहें सोचा। आपको पता है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर ने भी सोचा। ऐसे नहीं इंसान को बनाया। आप देखना चाहते हैं? आइए हम चलें उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसकी 26 आयत।
में हम देखेंगे, यहां लिखा है उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, यानी कि परमेश्वर ने सोचा, कहा, हम भी कई चीजें कहते हैं ना, आज लगता है ऐसा करेंगे, आज लगता है वैसा करेंगे, अपना दिन हम प्लान करते हैं, अपने कामों को हम प्लान करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को हम प्लान करते हैं, अपने पैसे को कहाँ लगाना है हम प्लान करते हैं, हर एक चीज सोच से शुरू होती है। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर हमारे सोच को बदलना चाहते हैं। किसको बदलना चाहते हैं? सोच को नहीं बदला, इसराइलियों की तरह 40 साल एक पहाड़ के चक्कर काटते रह जाएंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी अब कई बार हम लोग, जब मैं जाती हूँ कई देशों में, लोग आज से 50 साल पहले भारत देश को छोड़ चुके हैं और अब उन देशों के सिटीजन हैं, लेकिन सोच अभी भी क्या है, यहीं की है। इतने विकसित देशों में होने के बावजूद भी, मैं ये नहीं कहती हमारी सोच बुरी है, कुछ चीजों में, मैं सब चीजों को नहीं ले रही हूं, लेकिन कुछ चीजों में सोच को बदलना था। लेकिन अभी भी उन लोगों में क्या मेंटेलिटी है, क्या सोच है? इस देश की सोच है या छोटी सोच है? तो 40 साल 50 साल 70 साल चले हो गए हैं और पहरावा भी नहीं बदला। मैं ये नहीं कह रही हूं हमें पहरावा बदलना चाहिए, जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए। अभी हम कुछ दिन पहले, पिछले साल या उससे पहले, हम एक देश में गए और वहां पर हमारे स्टेट के लोग हैं, पंजाबी भाई बहन, खूब उन्होंने जमीनें खरीदी हुई है, बड़े बड़े मालिक हैं, सब कुछ है उनके पास। लेकिन मैंने देखा 4-5 औरतें, थोड़ा ज्यादा उम्र की, जैसे पुराने टाइम में चलते थे कपड़े, वो कपड़े पहने हुए उन्होंने। और फिर मैंने देखा एक आदमी को, वो पुराने तरीके के कपड़े पहने हैं और साइकिल पे जा रहा है। इतने विकसित देश में होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी क्या नहीं बदला? सोच नहीं बदली। प्रभु हमारी सोच पर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सोच बदलो। सिंपल शब्दों में हम वहां पे ये नहीं वचन यूज करेंगे मन फिराओ, प्रभु कह रहे हैं सोच बदलो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तुम परमेश्वर के राज्य में हो, अब वो सोच नहीं चलेगी जो पहली सोच थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अपनी सोच को बदलो। फरीसियों सदूकियों की तरह नहीं सोचना, उन लोगों की तरह नहीं सोचना, पुराने तौर तरीके जो हम चीजों को नजरिया था देखने का, लोगों को देखने का नहीं सोचना। अगर उन्हीं तरीकों से सोचते रहे हम बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं। सोच, सब कहें सोच। वचन कहता है उत्पत्ति पहले चैप्टर उसके 26 आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, ध्यान से सुने, वह समुद्र की मछली और आकाश के पंछियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार करेगा। प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा हम इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएंगे, एग्जैक्ट हमारे जैसा होगा, और उसका सब चीजों के ऊपर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, हर चीज के ऊपर अधिकार होगा, डोमिनियन होगा। सोच चल रही है, क्या चल रही है? सोच में। अगर एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है, आपने कई बार देखा होगा जब कोई लोग पेंटिंग बनाते हैं, हमें होता है ये क्या लाइनें खींच रहे हैं, ये क्या अलग अलग चीजें हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बना रहा है। लेकिन जो पेंटर ने बनाना है ऑलरेडी उसके दिमाग में वो चीज है, उसके दिमाग में वो तस्वीर पूरी हो चुकी है, लेकिन हम जब उसको देख रहे हैं हम कह रहे हैं तो आधा अधूरा है, लेकिन उसके दिमाग में वो पूरा हो चुका है। प्रभु भी ऐसे काम करते हैं, ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके लिए रख दिया है, ऑलरेडी वचन में लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना हमारे लिए कुर्बान हो गया। जगत की उत्पत्ति जब कुछ भी नहीं बना था, उससे पहले जब कुछ नहीं था, परमेश्वर इस तरीके से काम करते हैं, इसलिए उन्हें कल, आज और युगानुयुग का परमेश्वर कहा जाता है। वो हर समय एक परमेश्वर, वो हर समय एक है, हालेलुया, वो कल, आज और आने वाले समय में एक है। और हम जाएंगे दूसरी आयत में, दूसरे चैप्टर में, 7वीं आयत, दूसरा चैप्टर उत्पत्ति उसका 7 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने, पहले चैप्टर में परमेश्वर ने सोचा, सब कहें सोचा,
सब कहें सोचा, लेकिन दूसरे चैप्टर उसकी सातवीं आयत में आके अब बन रहा है। यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, अपने हाथों से भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। पहले सोचा फिर किया, पहले सोचा फिर किया, पहले प्लान किया फिर किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात कही और उन्होंने कहा, अगर हम पढ़ते हैं मती उसका 5वां चैप्टर उसकी 27 आयत, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे सोच के बारे में बहुत बात कही है और यहां पर लिखा है 5वीं आयत 5वें चैप्टर उसकी 27 आयत में, तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार ना करना। व्यभिचार मतलब अडल्ट्री, यानी कि जनाकारी, शादीशुदा रिश्ते से बाहर किसी के साथ शारीरिक संबंध रखना। यहां लिखा है तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं जो कोई किसी स्त्री पर या पुरुष पर कुदृष्टि यानी कि गलत दृष्टि डाले, वह अपने मन में, सब कहे मन में, सब कहे मन में, मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, मन, जो इंसान के मन में होता है, जो इंसान की सोच में होता है, वो इंसान वही होता है। प्रभु हमारी सोच को बदलने जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में हम कैसे चीजों को देखते हैं। तो कुछ और आयतों की तरफ हम ध्यान देंगे। यहां पर अगर हम पढ़ें एक और वचन, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत, आइए हम जाएं रोमियो में, रोमियो 12वां अध्याय और 2री आयत। लेकिन उससे पहले एक वचन मैं पढ़ूंगी, नीति वचन 23 अध्याय उसकी 7 आयत, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है, वैसा वह आप है। जैसा मनुष्य मन में सोचता है वैसा वो आप है। आपकी सोच आपको सीमित कर सकती है, आपकी सोच आपको असीमित कर सकती है, आपकी सोच आपको बांध के रख सकती है, आपकी सोच आपको छोटा सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, आपकी सोच जो परमेश्वर कह रहा है उसके उलट जा सकती है, जाती है कि नहीं। कई बार परमेश्वर की आवाज धीमी हो जाती है, परमेश्वर जो वचन में हमसे कह रहे हैं धीमा और धुंधला हो जाता है, लेकिन हो सकता है हमारी सोच उससे ऊंची उठ रही हो। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसीलिए हमें रोज परमेश्वर के वचन की खुराक को खाना जरूरी है। क्योंकि दुनिया में हम कई चीजों को सीखते हैं, सोच पे काबू पाना हमारी ताकत पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन और उनके आत्मा की अगुवाई में होगा। अगर सोच नहीं बदली है, घूम फिर के उसी जगह आ जाएंगे जहां से शुरू किया है। ये सिंपल है, ये सिंपल है, सोच बदलना। सब कहें प्रभु मेरी सोच को बदलो, थोड़ा ऊंचा बोले, कहें प्रभु मेरी सोच को बदलो, फिर कहें प्रभु मेरी सोच को बदलो। सोच आपको लिमिटेड कर सकती है, मैं आपको फिर कह रही हूं, परमेश्वर की बहुतायत को आप मिस कर सकते हो अगर आपकी सोच छोटी हो गई है, अगर आपकी सोच वो नहीं है जो परमेश्वर का वचन कहता है। वचन कहता है जैसा इंसान अपने मन में सोचता है, विचार करता है, अंदर चीजें उठती हैं, वचन कहता है वो अंदर वही है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो हमारे दिल को बदलते हैं। अगर दिल नहीं बदला बहुत डेंजर है। शाऊल का दिल नहीं बदला था, राजा बन गया, पैसा आ गया, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, अभिषेक हो गया है, परमेश्वर ने उसको बुलाया। किसने बुलाया है? शाऊल को शैतान ने बुलाया था। शाऊल को किसने बुलाया था? कलीसिया, परमेश्वर ने बुलाया था। लेकिन आप देख रहे हो
कुछ समय के बाद, क्योंकि दिल नहीं बदला था, कुछ समय के बाद अपनी चीजें करना शुरू हो गया। और ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है जब इंसान अपनी चीजें करना शुरू कर देता है, जब परमेश्वर उसको कुछ कह रहे हैं लेकिन वो अपनी चीजें लेकर आता है। परमेश्वर के काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है हमसे। कई बार हमें मूर्खता लगेगी। यरीहो की दीवार करना स्टुपिडिटी थी, मूर्खता थी। चक्कर लगाना, सातवें दिन सात चक्कर लगाना, परमेश्वर की योजना देखो, स्ट्रेटजी। सातवें दिन कितने चक्कर लगाना? सात चक्कर। जैसे ही सात चक्कर लगाओगे, जोर से नरसिंगा फूकना। लोग कह रहे होंगे इजरायली ये चंगा परमेश्वर है। ये कैसी तरीके की स्ट्रेटजी जो हमें दे रहे हैं प्रभु? ये नहीं हो सकता प्रभु। लाल समुंदर भूल जाओ, कैसे फटेगा? मिश्र, मूसा कहता होगा प्रभु आपको नहीं पता मिश्र कौन है, आपको नहीं पता मैं वहां पे बचपन से रहा था, मिश्र में मैं जानता हूं कितना पावरफुल देश है, मैं जानता हूं उनकी सेना कितनी ताकतवर है। परमेश्वर जब मूसा को बुलाया मिश्र से इजरायली अपने लोगों को आजाद करने के लिए, कहता होगा प्रभु जैसे परमेश्वर को कुछ नहीं पता। क्या आपको लगता है परमेश्वर को कुछ नहीं पता? वचन कहता है वो हमारी हर सोच को भांप लेते हैं, उनकी आंखों से कुछ नहीं छिपता, कुछ नहीं छिपता। अकेले कमरे में क्या सुनते हैं, अकेले कमरे में क्या बोलते हैं, और तो और छोड़ो लोगों की भीड़ में अंदर क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर आप सबके विचारों को जानते हैं, वो हमारे दिल की सोच को जानते हैं, हमारे अंदर क्या उठता है। मूसा कहता होगा परमेश्वर आपको नहीं पता, फिरौन राजा है, वो पूरी दुनिया की वर्ल्ड पावर है, सेना उनकी इतनी ताकतवर है, मैं भी पहले उन्हीं में था, मुझे पता था कैसे उनकी सेना काम करती है, पैसा खूब है उनके पास, लोग खूब है उनके पास। आप कहते हो उसके सामने जाऊं? इम्पॉसिबल। प्रभु आज हमें कई काम करने के लिए कहते हैं और हमारे अंदर सोच उठती है। क्या उठती है? सोच उठती है कैसे पॉसिबल होगा प्रभु, आप आपको नहीं पता, बड़ा मुश्किल है प्रभु, आपको नहीं पता कैसे, माफ करें मुश्किल है, आपको नहीं पता अगर कोई बुरा कर देता उसको एक हंसी स्माइल देना मुश्किल है। स्माइल भी आती है तो ऐसे आती है जैसे रूखी पतझड़ की बहार है। जब आप किसी से मिलते हो, आप उनके मिलने से पता कर लोगे वो आपको कितना वेलकम कर रहे हैं, है कि नहीं है। आप उन आपको जब वो रिसीव करेंगे, आप उससे पता लगा लोगे वो आपको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, या वो चाहते हैं आप आओ या नहीं आओ। पहले टाइम में गांव घर होते थे, आजकल तो चलो मॉडर्न हो गया सब कुछ, फिर भी अभी भी गांव है। तो किसी ने ऐसा कहा परोने गुआंडियों के घर में आते थे, तैयारियां नहीं परोने आने उनके घर में, तैयारियां इस घर में चल रही हैं। ऐसा कल्चर था। कल्चर बदलते हैं, चीजें बदलती है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। मूसा कहता होगा प्रभु जी ये कैसे है, अरे ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। परमेश्वर ने मूसा को पता क्या कहा? मूसा मेरे पास आ, मैं तुझे भेजूंगा। ऐसे नहीं भेजा उसको, मेरे पास आ, तूने बचपन से लेकर मिश्र में रहा, वहां के तौर तरीके सीख लिए तूने, खूब सीखे। जैसे आज लोग दुनिया में जब पैदा होते हैं सबसे पहली चीज लोग क्या सीखते हैं? बच्चा अपनी फैमिली से चीजों को सीखता है, अपने माँ बाप से उठाता है। वो जिन बच्चों के साथ वो गली मोहल्ले में खेलता है उनसे वो चीजें उठा लेता है। इसलिए ध्यान दें आपके बच्चे गली मोहल्ले में कैसे बच्चों के साथ खेलते हैं, गाली गलौज तो नहीं देते बच्चे, बच्चे गलत काम तो नहीं करते हैं, एक दूसरे की मार कुटाई तो नहीं करते, एक दूसरे के बाल तो नहीं खींचते हैं। अगर ऐसे बच्चों के साथ खेलते हैं, एक सही डिसीजन लें कि हमारे बच्चों को किसके साथ खेलना है, क्योंकि बच्चों पे बहुत जल्दी रंग चढ़ता है। तो बचपन से जब कुछ चीजों को सीखते हैं वो रंग चढ़ जाता है। मूसा के साथ भी यही हुआ, जो उसकी सोच थी, गौर से सुने, उसकी सोच मिश्र की सोच थी। क्या थी? 430 साल मिश्रियों की गुलामी में रहने के बाद इजरायलियों की सोच भी क्या थी? मिश्र की सोच थी। और जब परमेश्वर ने इनको निकाला, क्या नहीं बदलता था? सोच। सब कहे सोच।
सोच नहीं बदली। परमेश्वर को एक लंबा टाइम लगा सोच बदलने के लिए। मूसा बचपन से मिश्र में पला बड़ा। सोच मिश्र की सोच है, जैसे हमारे देश में एक सोच है कि नहीं है। आप अलग अलग शहरों में जाओगे, वहां की सोच है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, आपको हर जगह अलग अलग सोच, पहरावे, खाना, कल्चर, भाषाएं, सब चीज में एक अंतर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों की एक सोच है। मूसा मिश्रियों की सोच से पला बड़ा और अपनी ताकत से उसने एक बार, उसको जब पता लगा कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मेरे ऊपर कुछ बुलाहट तो है। आप में से भी कई लोगों को पता होगा आपके ऊपर बुलाहट है। प्रभु ने हम सबको बुलाया है। बुलाहट का जब पता लगा उसने कहा मैं अपनी ताकत से करूंगा, और जब अपनी ताकत से करने लगा एक मिश्री को मार दिया और लोग अब उसको ढूंढने लगे क्योंकि उसने कत्ल कर दिया। भाग कर गया और उसके बाद 40 साल अपने ससुर के घर जानवरों को चरा रहा है। किसको चरा रहा है? जानवरों को। और मुझे नहीं पता जानवरों को चराते चराते उसकी सोच भी जानवरों वाली ना हो गई हो, क्योंकि अगर आप गायों के बीच में रहोगे आपके कपड़ों में से कैसी आएगी खुशबू? कैसी खुशबू आएगी गायों के बीच में रहने से? गुलाब के फूल की? किसकी आएगी? गाय के गोबर की आएगी, या तो दूध की आएगी, बदबू आएगी। सही बात है, खुशबू नहीं बदबू आएगी। गाय के गोबर की, उसके टॉयलेट की, उसके दूध की, उसके घास की, उसके चारे की। और 40 साल इन चीजों के बीच में अब मूसा को भूल गया क्या है। परमेश्वर ने वेट किया क्योंकि पहले मूसा की सोच क्या थी? मैं अपनी ताकत से करूंगा, मैं बस छुड़ा लेना सारी कॉम को, प्रभु ने मुझे बुला लिया छूट जाएगा। प्रभु कहते हैं वेट मूसा, वेट, सब कहीं इंतजार करो, फिर कहीं इंतजार करो। परमेश्वर को पता है सही समय क्या है। हमें लगेगा अभी है, छलांग मार दो। प्रभु कहेंगे वेट 40। प्रभु के लिए कुछ भी बहुत लंबा टाइम नहीं है। वचन कहता है एक दिन हजार दिन, हजार दिन एक दिन के बराबर है। उनको पता है 10 साल का काम एक साल में कैसे कर देना है। लेकिन अच्छा है परमेश्वर के टाइम में हो, वो सबसे बेस्ट है। मूसा को 40 साल प्रभु ने वेट कराया, परमेश्वर ने भी वेट किया। अब टाइम है। अभी भी मूसा की सोच बदल रही है। और जब 40 साल अपने ससुर के सबमिशन में वो रहा, अधीनता में रहा, अपने ससुराल में रहा। अगर किसी को आज बोले पतियों को ससुराल में रहना है, हमारे समाज में एक पति का अपने ससुराल में रहना, ठीक है थोड़े टाइम के लिए जाएं वो अलग चीज है, लेकिन अगर हमारे समाज में देखें एक पति का ससुराल में रहना अच्छा नहीं माना जाता। शादी के बाद बेटियां अपने घर में जाएं और जमाई आए, लेकिन अगर जमाई 10 साल 20 साल 30 साल से वही है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये हमारे देश का कल्चर है। अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर है। और अब मूसा कहां पर है? ससुर के घर में 40 साल उसके जानवरों को चरा रहा है। प्रभु ने कहा अब टाइम आ गया, क्योंकि यहोवा, वचन कहता है यहोवा दिलों को जांचता है। हालेलुया। दिल, आपकी प्रेयर, हाँ प्रेयर बहुत जरूरी है, प्रार्थना। आपकी प्रेयर हो सकता है प्रभु को ना हिलाए, लेकिन एक चीज जो परमेश्वर को हिलाती है, दिल। आमेन। दिल, सब कहें दिल। जो दिल है वो परमेश्वर को हिलाता है। जो हमारे दिल में परमेश्वर दिल को देखता है। 4 घंटे प्रेयर कर लो लेकिन अगर दिल बदलाव नहीं हो रहा है, प्रभु कहेंगे नहीं अभी भी गड़बड़ है। ठीक है प्रेयर्स आंसर होंगी, मैं ये नहीं कह रही हूं, क्योंकि जब यीशु के नाम से कुछ मांगोगे आंसर होगा, लेकिन प्रभु कहेंगे दिल में गड़बड़ी है, अभी रुक जाओ, वेट करो। गैब्रियल वेट, माइकल वेट, दिल नहीं बदला है। और अगर अभी सब कुछ कर दिया ना, आगे जाके गड़बड़ी लगी। क्यों? क्योंकि दिल नहीं बदला। दिल बदलना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु
हमारी दिलों को बदलते हैं। आज लोगों की बाहरी चीजें बदल जाती हैं, प्रभु को हमारे बाहर से लेना देना कुछ नहीं है। कुछ पहने, हाँ ऐसा पहने जो हमारी सभ्यता में हो, कुछ पहने अच्छा पहने अच्छा रहे, लेकिन अगर दिल नहीं बदला, क्योंकि परमेश्वर ने शैमुएल को कहा, शैमुएल तू बाहर से देखता है। शैमुएल कौन था? परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर की चीजों को जानता था। उसको कहते हैं शैमुएल, जब वो दाऊद का अभिषेक करने जाता है, उसे नहीं पता था यीशे के कौन से बेटे का अभिषेक करना है। तो जब पहले को देखा, हट्टा कट्टा है, वाह जी इसी का अभिषेक करेंगे, राजा होगा, आगे बुलाया, अभिषेक करने लगा, परमेश्वर ने रोका, नहीं ये नहीं है। फिर शैमुएल को कहा, शैमुएल तू इंसान को बाहर से, सब कहें बाहर से, सब कहें बाहर से, फिर सब कहें बाहर से। परमेश्वर कहते हैं, शैमुएल तू बाहर से देखता है। परमेश्वर कह रहे होंगे, शैमुएल तुझे अभी भी समझ नहीं आया, मैं तेरे से बात करता हूं, तुझे इज़राइल के बारे में बताता हूं, भविष्यवाणी का वचन, तुझे अभी तक समझ नहीं आया, इंसान को बाहर से नहीं देखना। पौलुस कहता है, मैं किसी को बाहर से नहीं जांचता, आत्मा में क्या है जांचना है, आत्मा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आत्मा में क्या है उसे जांचना जरूरी है। अगर आत्मा में नहीं जांचा, गड़बड़ हो जाएगी। शरीर के अनुसार जांचते रहे, गड़बड़। कई बार लोग बाहर से, हम देखते अपने समाज में, अपने आसपास, कई बार हो सकता है जब हम किसी से मिले, लोग हमें वेलकम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है दिल कहां हो, दूर हो। प्रभु कहते हैं, ये लोग मुंह से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन इनका दिल, सब कहें दिल, फिर कहें दिल। तो मुंह से प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत होंगे। मैं आपको वचन बता रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ, मैं आप पे दोष नहीं लगा रही हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप सीखें और आपकी सोच बदल जाए, आपका नजरिया बदले। नजरिया नहीं बदला, घूम के वीरान, घूम के 40 साल के बाद भी उसी उजाड़े में घूमते रहेंगे और फिर कहेंगे, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा। प्रभु ने नहीं खतरे बिछाए, प्रभु तो हमारे रास्ता निकालते हैं। प्रभु ने कहा है, जीवन और मौत तेरे सामने है, चुन, सब कहें चुन, फिर कहें चुन, चुनाव आपका है, चुनाव, सब कहें चुनाव मेरा है। अपने हाथों को उठाते हुए कहें, प्रभु जी चुनाव मेरा है, फिर कहें, प्रभु चुनाव मेरा है। अपने पड़ोसी को हिलाकर कहें, चुनाव आपका है, कहें चुनाव आपका है। हालेलुया। मूसा ने कहा प्रभु नहीं हो सकता, अब प्रभु कहते हैं, अब मूसा तू सही जगह पे है, तेरी सोच बदल गई है, अब तू नम्र हो गया है। क्या हो गया है? नम्र हो गया है, अब तू मेरी बात मानेगा। और परमेश्वर उसे कहते हैं, मूसा मेरे पास आ। ध्यान से पढ़े उस पैरे को, वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, मूसा मेरे पास आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे लोगों, थके और हारे लोगों, मेरे पास आओ। अब आते नहीं है तो कैसे होगा? नहीं आना प्रभु के पास, मैं सिर्फ आपको चर्च आने के लिए नहीं कह रही हूं, प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ते में चलना। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। सो पहली चीज पहली है, सब कहें पहली चीज पहली है, पहली चीज पहली है। आप पहली क्लास पास नहीं करोगे, वो आपको सेकंड में भी बैठने नहीं देंगे, वो कहेंगे फर्स्ट क्लास पार करो फिर बैठाएंगे सेकंड में, ऐसे नहीं बैठाएंगे। पहली चीज पहले है, प्रभु कहते हैं, मेरे पास आ, मैं तुझे शांति और आराम दूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मेरे पास आ, फिर सब कहें आ, फिर कहें आ, कम एंड आई विल सेंड यू। मेरे पास आ मूसा, मैं तुझे भेजूंगा, और अब सही दाम है, क्योंकि अब तू समझ गया है, ये तेरे बल से नहीं, तेरी शक्ति से नहीं है,
लेकिन ये मेरे द्वारा संभव है। हालेलुया, हालेलुया। सोच में बदलाव बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर जैसे मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन एक और आयत में हम जाएंगे, इसके बारे में देखते हैं, मरकुस उसका 7वां अध्याय और उसकी 20 से लेकर 23 आयत। गौर से सुने, अगर हमारी सोच नहीं बदली, मैं बार बार आपको बता रही हूं, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अपने पड़ोसी को करें, अगर सोच नहीं बदली, जरा मुस्कुराकर कह दें, कहें अगर सोच नहीं बदली कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कौन कहता है, अगर प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं, क्या वो फालतू कहते हैं? अगर वो आपसे कुछ कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है, क्योंकि वो हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा। ये वचन आईना है, पानी में अपना चेहरा देखते हो आपको क्या दिखता है, शेर? जब आप पानी में अपने आप को देखते हो आपको क्या दिखता है, भालू या सांप? क्या दिखता है आपको आप पानी में देखते हो तो? आप ही दिखते हो ना। हाँ, तो जब परमेश्वर आपके मन में देखते हैं, क्या दिखता है, क्या दिखता है? आप ही दिखते हो, जो रियल है वो आप दिखते हो, जो सच्चाई है वो आप, और आप इसको इनकार नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते, नहीं नहीं प्रभु ये नहीं मेरे लिए है। प्रभु कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये सच है। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सच्चाई को जब जान लोगे तो वो तुम्हें आजाद कर देगी। हाँ प्रभु, मुझे यहाँ पे जरूरत है, इस जगह पर प्रभु ये चीज है, सोच नहीं बदल रही है, प्रभु जी मदद करो। एक दिन प्रेयर किया नहीं बदली, एक दिन वचन पढ़ा नहीं समझ आई, इसका मतलब ये नहीं है छोड़ के बैठ गए और कहा नहीं एक दिन में तो हुआ नहीं। अरे थोड़ा जोर लगाओ, थोड़ा चबाओ वचन को। खाना खाते हो, क्या करते हो, सीधे मुंह में डाला और पेट के अंदर क्या करते हो? ऐसे करोगे तो थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। दांत किसने दिए चबाने के लिए? डॉक्टर कहते हैं 32 बार चबाना है, लेकिन 32 बार चबा के खाने का तो कुछ भी नहीं रहता। अगर वचन को हमने नहीं खाया, उसको चबाया नहीं, वो कैसे हमारी जिंदगी में काम करेगा? एक दिन नहीं हुआ करो, दूसरे दिन नहीं हुआ करो, तीसरे दिन नहीं हुआ करो, चौथे। एलाइजा ने कितनी बार प्रार्थना किया बादल आने के लिए? 3.5 साल स्वर्ग बंद, नहीं होगी बारिश, नहीं होगी, चलो अब बारिश करनी है। 3.5 साल का पीरियड हुआ, नौकर को भेजता है, देख क्या, नौकर जाता है वापिस आता है, नहीं हुआ, कुछ नहीं होना। फिर प्रार्थना करता है, दोबारा भेजता, जा, नहीं हुआ, कुछ नहीं होना। तीसरी बार भेजता है, जा प्रार्थना कर, ओ जा देख करा, मैं प्रार्थना करता हूं तू देख। तीसरी बार नौकर जाता है, निराशा हाथ लगती है। चौथी बार नौकर जाता है, निराशा हाथ लगती है। पांचवी बार नौकर जाता है, निराशा हाथ। छठवीं बार, सातवीं बार कहता है, ओ हाँ, इंसान के हाथ के जितना बादल का टुकड़ा। एलाइजा कहता हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से उन वचन को पढ़ो, वचन में लिखा है एलाइजा ने, एलिया ने बारिश को देखा नहीं था। आज लोग देखते हैं फिर चलते हैं। अब सड़क पे तो देखना जरूरी है ना, नहीं देखेंगे तो गाड़ी उड़ा देगी। लेकिन आत्मिक जिंदगी में हम देखकर नहीं चलते, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम कैसे चलते हैं? विश्वास से। एलिया ने, एलाइजा ने बारिश को पहले अपने स्पिरिट में देखा। कहां पर देखा? आत्मा में बारिश देख ली, हो गई है। उसने कहा लो खुल गया स्वर्ग, करो प्रार्थना। 7 बार के बाद उत्तर आया, लेकिन वो हारा नहीं, लगातार 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 प्रार्थना करता रहा, और एक टाइम में 7वीं बार उत्तर आ गया और बारिश हो गई। कौन सी चीज है जो आपको रोकती है? थोड़ा जोर लगाओ, पुश करो अपनी प्रार्थना की जिंदगी को। सुस्ती हो रही है, उठ के मुंह धो लो। नींद आ रही है, उठ के मुंह धो लो। रात को ज्यादा मत खाओ, अगर सुबह जल्दी उठना है तो थोड़ा टाइम निकालो। आपके हाथ में है आपका विश्वासी जीवन। और मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रही हूँ प्रार्थना ही करते रहो। वचन में कहीं भी नहीं लिखा मेरे लोग प्रार्थना की कमी से नाश होते हैं, कहीं नहीं लिखा।
लेकिन वहां पर ये जरूर लिखा है, ध्यान से दें, देखें, सुने, मेरे लोग ज्ञान की कमी से नाश हो रहे हैं, फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। प्रार्थना है, बहुत अच्छा है, प्रार्थना करें। मैं कहूंगी आप रात रात पर प्रार्थना करें, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है साथ में, क्योंकि सोच नहीं बदल रही, सिर्फ महसूस हो रहा है, महसूस करना बुरा नहीं है, पवित्र आत्मा जब आता है हम पे, हमें महसूस होता है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। लेकिन एक बार क्या होता है, पर कई बार परमेश्वर की जो हुजूरी है वो बड़ी भारी होती है, और हम अपने इस जिस्म में भी उसको महसूस करते हैं, लेकिन अपने आत्मा में हम जानते हैं प्रभु हमारे साथ है, और हमारा जिस्म उनके आत्मा का मंदिर है। तो अगर हमें कभी महसूस नहीं भी हो रहा, तो हम जानते हैं प्रभु हमारे साथ है। नॉलेज, मुश्किल आ गई, लेकिन हम जानते हैं प्रभु हमारे साथ है। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, खूब मारा गया, पीटा गया, बंदी गृह में डाला, हाथों में पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है, रात को वचन कहता है, ध्यान से सुने, वचन कहता है आधी रात में वो रो रहे थे। पौलुस और सिलास रो रहे थे, क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और आराधना कर रहे थे। माइंडसेट, दिमाग, सोच, उनको पता था मार कुटाई हुई है, पिटाई हुई है, लेकिन प्रभु फिर भी हमारे साथ है। और उस प्रार्थना और आराधना का आप रिजल्ट देखो, उस जेल में भूडोल हो गया और जो कुछ था वहां पे सब हिल गया, और बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, जो लोग जेल में थे, बंदी बने थे, वो भी आजाद हो गए। आमेन। फिर सब कहें प्रभु मेरी सोच बदलो, फिर सब अपने पड़ोसी को हिलाकर कहें प्रभु मेरी सोच बदलो, फिर कहें प्रभु मेरी सोच बदलो। अगर सोच नहीं बदली तो कुछ फायदा नहीं है। एक आयत पढ़ेंगे हम, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे, जहां जैसे मैंने खुलवाया था मरकुस 7 का 7वां चैप्टर, उसकी 20 और 23 आयत। फिर यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य के अंदर से, मन में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य के अंदर से निकल रहा है वही मनुष्य को क्या कर रहा है? अशुद्ध कर रहा है। क्योंकि मन से, मनुष्य के मन से अब क्या निकलता है, गौर करें, बुरी बुरी चिंता, यहां लिखा है बुरी बुरी चिंता, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है इवल थॉट्स, बुरे विचार। नूह के टाइम में लोगों को क्यों डुबाया परमेश्वर ने? क्या परमेश्वर इतने क्रूर हैं कि सबको डुबो दें? उसके पीछे कई रीजन थे, लेकिन उस रीजन में मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन एक बात अगर हम वहां देखें, वहां लिखा था इंसान के दिल के सारे विचार बुरे हो गए थे। सारे, सब कुछ दिल से शुरू होता है, दिल जीवन का सोता है, हर एक चीज दिल से शुरू होती है। अगर हमारा दिल सही है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाल देंगे। आमेन। अपनी ताकत से कुछ नहीं होगा, तेल को जितना ताकत से पकड़ोगे वो हाथ से स्लिप हो जाएगा, लेकिन जब प्रभु पकड़ते हैं, वचन कहता है वो अपने हाथों से समुद्र को थामे हुए है। आमेन। बुरे बुरे विचार, तो क्या निकलता है सबसे पहले? बुरा विचार, वहीं से सब शुरू होता है बुरा विचार। सो पहली, जब थॉट अंदर चलते हैं आपके, बुरे विचार अंदर आने लगते हैं, अब आप क्या करते हो, ये सवाल है। आपके दूसरों के लिए विचार, किसी को माफ ना करने के विचार, कड़वाहट के विचार, दूसरों को गलत सोचने के विचार, अपने दिमाग में दूसरों ने जो नहीं किया सोचने के विचार कि उसने मेरे लिए ये किया है, और सारी दुनिया इससे जूझती है। ये सच्चाई है, सच्चाई है कि नहीं है? सारी दुनिया इससे जूझती है, चाहे हम हाँ करें चाहे ना करें। सोच एक ऐसी चीज है, सब इससे जूझते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें इसके लिए निवारण देता है। बुरे बुरे विचार, वह विचार वहां से शुरू होता है, चोरी शुरू होती है, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, किसी की निंदा करना, अभिमान आना, कहां से शुरू होता है? दिल में। लूसीफर के
दिल में गलत विचार आए, इनिक्विटी अंदर पाई गई, जो शैतान अब जिसको बोलते हैं अभिमान और मूर्खता निकलती है। तो जब ये चीजें आपको आके दिमाग में आती हैं या अंदर से बाहर निकल रहा है और लग रहा है कि बस अब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, प्रभु जी ये क्या है, दूसरों के लिए नफरत के विचार आ रहे हैं, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने के विचार आ रहे हैं, निराशा आ रही है, किसी ने हमें पूछा नहीं ऐसे विचार आ रहे हैं, कोई हमें केयर नहीं करता ऐसे विचार आ रहे हैं। आपने एक सिंपल चीज करनी है, उसके बारे में हम वचन में देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 2 Corinthians 10:5 गौर से सुने। सो हम कल्पनाओं को, सब कहें कल्पनाओं को, हमारी जो इमेजिनेशंस, जो हम इमेजिन करते हैं, कल्पनाएं, सब अपने सर पे हाथ रखे कहें, कहें कल्पनाएं, यानी कि इमेजिनेशन, जो हम सोचते हैं, और जरूरी नहीं जो हम सोच रहे हैं वो सही हो। इसीलिए जो आप सोचते हो उसको वचन के मुताबिक देखना जरूरी है। तो अगर ऐसी कोई सोच जो आपको, जो वचन के बिल्कुल उल्टा जा रही है, प्रभु कह रहे हैं भला करो, अंदर हो रहा है प्रभु भला कैसे करें, मुश्किल हो रही है, प्रभु कैसे माफ करें, मुश्किल हो रही है, प्रभु कैसे आज्ञा माने, मुश्किल हो रही है, कैसे हम अधीन हो, मुश्किल हो रही है, प्रभु क्या कहते हैं, सो हम कल्पनाओं को, वचन कहता है सो हम कल्पनाओं को, सब कहें कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, यानी कि उसको हम रिजेक्ट करते हैं। परमेश्वर ने नहीं करना आपके लिए काम, गौर से सुने, परमेश्वर ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, प्रभु यीशु सब कुछ आपके लिए कर चुके हैं, ये आपको खुद करना है। कई लोग जूझते हैं सोचों में, दिल में चीजें उठ रही हैं, क्यों जूझ रहे हैं, क्योंकि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो आ रहा है उसके मुताबिक चले जा रहे हैं। आप लिख के ले लो, आप अपनी सोचों से ऊपर नहीं जा सकते अगर आप परमेश्वर के वचन को ना ध्यान से सुनो और समझो और करो। आपकी सोचें आपको नीचे कर देंगी। लोग सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सोच सोच के सुसाइड कमिट कर लेते हैं। क्या, कैसे शुरू हुआ है, इस दिमाग से, सोच, दिल में गलत चीजें आ रही हैं और उसको दुरुस्त नहीं किया गया, और ये लोगों को ले डूबता है, लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, गोलियां खाते हैं, दिमागी दवाइयां खाते हैं। क्यों, यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, और जो गलत आ रहा है उसको हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, और फिर प्रभु को कहते हैं, प्रभु आप क्यों नहीं काम कर रहे, प्रभु कहते हैं मैंने सब कुछ दे दिया और मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। कल्पनाएं आपके अंदर आएंगी, सोच आपके अंदर आएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, हर एक भावना को कैद करके, सब कहें कैद करके, सब कहें कैद करके, अपने हाथों को उठा के कहें कैद करके। कैसे कैद करते हैं हम चीजों को, सोच को कैद करते हो जब आती है, या उसको उड़ने देते हैं, उसको घोंसला बनाने देते हैं, कैद करना है, सब कहें कैद करना है, सब कहें कैद करना है, फिर कहें कैद करना है, कैद करके क्या करना है, कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। हालेलुया, मसीह का आज्ञाकारी, आपके हाथ में अपनी सोचों को कैद करना। अगर नहीं कैद करते हो, इंसान की सोच दूर तक लेकर जाती है, और वो सोच बना देगी जो आप सोचते हो। बस मैं यही कहना चाहूंगी, जो आप सोचते हो ना, आप वही बन जाओगे। सिंपल, मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है, अब उसमें मैं नहीं जाऊंगी, मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है, जो आप सोचोगे वही बन जाओगे। इसीलिए हमने क्या सोचना है, फिलिपियों 4:8, निदान है भाइयों जो बातें सच्ची हैं, सब कहें सच्ची हैं। झूठी बातें भी सुनोगे आप, आपके अंदर झूठी बातें आएंगी, वो नहीं सोचना है, जो सच्ची हैं। फोकस चेंज करो, ये मत देखो पानी का गिलास कितना खाली है,
ये देखो कितना भरा हुआ है, ये मत देखो किसी में कितनी कमजोरियां हैं, ये देखो उसमें कितनी अच्छाइयां हैं। हालेलुया, धन्यवादी बनो, कुड़कुड़ाओ मत, आमीन। क्योंकि कुड़कुड़ाने वाला परमेश्वर से कोई भी आशीष नहीं पा सकता, परमेश्वर हमारे कुड़कुड़ाने को और बुड़बुड़ाने को सुनते हैं। इसीलिए निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, किस पर ध्यान लगाना है? कमजोरी पर, लोगों की बुरी बातों पर, लोगों की चुगलियों पर, लोगों की चीजों पर? किस पर ध्यान लगाना है? लोगों की अच्छाइयों पर। लोग, जो लोग, जिन लोगों ने आपके साथ आज तक अच्छा किया, जब आपके अंदर आता है ना ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, बैठकर कॉपी पेंसिल लेके लिखना शुरू करो उन्होंने आपके लिए क्या आज तक अच्छा किया, और अगर एक भी चीज अच्छी करी है ना, धन्यवादी हो जाओ। हालेलुया, तब आप अपनी जिंदगी में एक नेक्स्ट लेवल को देखोगे। कुड़कुड़ाते रहोगे, नहीं होगा कुछ। बुड़बुड़ाते रहोगे, धन्यवादी नहीं हो, कमियां देख रहे हो। अगर एक भी, अगर आज आपको कितने सारी मैंने चीजें बताई है, अगर आप बहुत सारी चीजों को नहीं लेके जा सकते, एक चीज को याद रखना, अगर किसी ने आपके साथ एक भी अच्छा किया है ना, एक, सब कहें एक, मैं आपकी उंगलियां देख सकती हूँ, एक, अगर किसी ने एक भी अच्छा किया है ना, प्लीज 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 अपने दिल में उनके लिए धन्यवादी रहना, ये आपके लिए ब्लेसिंग खोल देगा। यूसुफ धन्यवादी रहा, उसने ये नहीं कहा मेरे भाई अब मेरे काबू में, अब तो मैं इनको बताता हूँ मैं कौन हूँ। उसने याद किया, वो कहता परमेश्वर ये आपकी योजना थी मुझे यहाँ लाने की। हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, और वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। तो अगर एक भी चीज आपके साथ किसी ने अच्छा किया है ना, प्लीज प्लीज बी थैंकफुल एंड बी थैंकफुल टू गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सच में आप मनों को जांचने वाले, हमारी जिंदगियों में काम करने वाले परमेश्वर है। मेरी प्रार्थना है प्रभु, होने दे आज का वचन इनकी जिंदगियों में काम करे, और प्रभु जी इनको आप मानसिक चंगाई दे। आज बहुत लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, मानसिक बीमारी, मानसिक रोग हैं लोगों को, लेकिन केवल आपका वचन ही उस मानसिक रोग को दूर कर सकता है। आपका वचन शारीरिक रोग को दूर करता है, शारीरिक चंगाइयों को देता है। आपके लोग वो सोचे जो आपका वचन कहता है और जो मसीह सोचते हैं, ताकि हम मसीह में और बढ़ते जाएं और मजबूत हो जाएं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया।